उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर्टन रेजर आज के इस कार्यक्रम में मंच पर यहाँ पर उपस्थित हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री डॉक्टर एसएस संधू जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्रीमती राधा रतूड़ी जी, श्री आनंद वर्धन जी और CII नॉर्दर्न रीजन के चेयरमैन और उत्तराखंड में जिनका एक बड़ा निवेश पहले से ही है, आप सभी को उन्होंने बताया भी यहाँ से। मैं कहूँ कि सभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र जो समूह भी चलाते हैं और जिन्होंने पत्रकारिता से अपने जीवन को शुरू किया है, सभी आए हुए समूह के हमारे प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले तो आप लोगों ने जिस धैर्य से लगातार मैं देख रहा हूँ कि 11 बजे लगभग सब आ गए थे और तब से लेकर जितने लोग शुरुआत में थे उतने ही लोग समापन तक हैं, क्योंकि अब समापन होने ही वाला है, तो मैं आप सबकी जो धैर्य शक्ति है उसको भी प्रणाम करता हूँ। और उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सचमुच आज हिंदी दिवस भी है, हिंदी दिवस की भी मैं आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ। उत्तराखंड देश का मुकुट है और धामों की भी पुण्य भूमि है और मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक धामी हूँ। पीस से प्रोस्पेरिटी, इसका आज का जो हमारा लोगो है ये है पीस से प्रोस्पेरिटी। वास्तव में यह पीस और साथ में प्रोस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं जिसका कोई शब्दों में जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है वह है। और पहला दिन जिस प्रकार से आज शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बड़ा उत्साहवर्धक है। और मैं आपको बताऊं कि जब से हमने ये शुरू किया और हमारे पूरी टीम ने ये विचार किया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट करेंगे, उस दिन से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमको उत्साहजनक तरीके से लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम न किया हो। लगातार हमको प्रोत्साहित किया है, मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने पहले दिन से हमारी शुरुआत की, हमको आगे प्रोत्साहित करने का काम किया और भरोसा दिया कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं वहीं देश के लिए भी एक बड़ा योगदान होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश की जो अर्थव्यवस्था है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य लिया गया है, उसमें यह एक गिलहरी की तरह एक योगदान होगा। हमारा राज्य, चूँकि हम हमेशा देश के साथ चलने वाले राज्यों में हमारा वो रहा है, चाहे देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो या देश को जवानी देनी हो या देश को पानी देना हो, दोनों में उत्तराखंड राज्य का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश के किसी भी कोने पर, देश की सीमाओं पर उत्तराखंड का जवान देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, सेना में हो या पैरामिलिट्री में हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में देश के वो अपनी सेवाएं दे रहा है। उसी प्रकार से जिसके बारे में डॉक्टर संधू साहब ने पहले बोला कि हमारे पास गंगा, यमुना, सरयू, शारदा, महाकाली, ऐसी अनेकों जो नदियां हैं, बारह मास जो लगातार प्रभाववान रहती हैं, वो कहीं ना कहीं संपूर्ण भारतवर्ष को और मैं कहूँगा कि संपूर्ण पर्यावरण को हर प्रकार से
पानी देने का भी काम करती हैं। तो इसमें बड़ा योगदान उत्तराखंड का है, और इसलिए हमने ये तय किया है कि इस आर्थिक विकास में भी अपनी सहभागिता निभानी है। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड राज्य, जो उसकी प्राकृतिक विरासत है उसको अक्षुण रखते हुए, राष्ट्र में सबसे तेजी से बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे तेजी से जो राज्य विकास की ओर बढ़ रहे हैं, उन राज्यों में उत्तराखंड का भी स्थान हो, उत्तराखंड भी उन राज्यों में आए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और उत्तराखंड में देखिए, काम करना अपने आप में, मैं कहूँगा कि वहाँ जन्म लेना तो प्रभु की इच्छा है कि जन्म लिया, और जन्म अगर नहीं भी लिया किसी ने, अगर वो वहाँ कर्म करेगा किसी भी रूप में, तो उसके ऊपर भी ये मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी, इसीलिए उसको जो है वहाँ पर कर्म करने का अवसर मिलेगा। और ये बिल्कुल, आप लोग जितने लोग भी आज मुझे सुन रहे हैं या जितने लोग भी इस कार्यक्रम में आए हैं, हम लोग जो कार्य करने जा रहे हैं वो राष्ट्र के लिए है, राज्य के लिए है, जन जन के लिए है, और उसमें आपकी सहभागिता है देवभूमि के लिए है। तो ये तय मानिए कि आपके ऊपर देवों की कृपा है, इसीलिए आप भी यहाँ पर हैं। हर प्रकार से देवों की कृपा आपके ऊपर है, और आपको भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ योगदान देने का अवसर मिल रहा है। और उत्तराखंड देवभूमि है, हम सभी लोग भली भांति जानते हैं, यहाँ गंगा, यमुना, अनेकों जो नदियाँ हमारे यहाँ से निकलती हैं, चारों धाम हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ आदि कैलाश से लेकर पूरा मानस खंड है, और उस मानस खंड को भी निकट भविष्य में हम बहुत तेजी से एक सर्किट बनाकर मानस खंड मंदिर माला मिशन, वो हमने अपना लक्ष्य लिया है। उसके अंतर्गत जैसे आज चार धाम हैं, उसी प्रकार से चार धाम की तरह कुमाऊं क्षेत्र के जो हमारे पुराने धार्मिक स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, उन सभी को एक सर्किट के तहत उन सब का निर्माण, पुनर्निर्माण, उनका विस्तार करने का भी हमने संकल्प लिया है। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ यह राज्य पर्वतों से आच्छादित है, पर्वत मालाएं हैं, और हमारा 71%, संधू साहब ने बहुत विस्तार से उसको नहीं बताया क्योंकि वो टाइम देख रहे थे वहाँ पर, मैं देख रहा था। तो वो कह रहे थे कि नॉन पॉल्यूटेड रीजन ऑफ NCR उत्तराखंड को, तो आप ये सोच सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड जैसा दूसरा राज्य, मैं नहीं कह रहा हूँ कि, वैसे तो पूरा भारत देवभूमि है, शास्त्रों में और हमारे धार्मिक ग्रंथों में सभी में कहा गया, पूरा पूरी जो भारत भूमि है वही देवभूमि है, लेकिन उत्तराखंड विशेष रूप से जिस प्रकार का है, नदियों से आच्छादित, वनों से, 71% हमारा जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है, 71%। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करेगा, वहाँ किसी काम को करेगा या हेल्थ वेलनेस के लिए भी आएगा, तो अपने आप में उसको वैसे ही नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अनेकों प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त हो जाएंगी। वो एक तरह से ऊर्जा का स्रोत है, वो ऋषियों की भूमि है, मुनियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। और पहले के समय में जो हम आज सनातन की बात करते हैं, तो उस समय में इतने सारे यज्ञ, इतने सारे मंत्र उस भूमि पर हुए हैं, और मंत्र और शब्द ये कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये हमेशा विचरण करते रहते हैं, और उसकी शक्ति हमेशा बनी रहती है। निगी जी, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आज मुझे, तो ये शब्दों की जो ताकत है वह भी हमारे यहाँ के जो जो वायुमंडल है उस वायुमंडल में है। तो मैं इसलिए आप सबसे निवेदन करूँगा, सबसे अनुरोध करूँगा कि आप सब लोग इसमें अपना योगदान दें। और ये इन्वेस्टर समिट करने से पहले हमने कुछ लक्ष्य लिए थे। एक तो लक्ष्य था कि हमारा, कि हम उत्तराखंड की जो GDP है उसको अगले 5 सालों में दुगना करेंगे।
उस दिशा में हमारे प्रयास चल रहे हैं, और ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उसी का एक पार्ट है। ये हमारे लिए, राज्य के लिए भी एक अवसर भी है कि इस अवसर को हम लोग ठीक प्रकार से ठीक कर पाएँ, ठीक अवसर का पूरी तरह से लाभ ले पाएँ, उपयोग कर पाएँ। और इस आयोजन से पहले, जैसा हमारे मुख्य सचिव संधू साहब ने कहा कि आप उत्तराखंड में उद्योग क्यों लगाएं, उत्तराखंड में आप इन्वेस्ट क्यों करें, आपको वहाँ पर लैंड अच्छी मिलेगी, लैंड आसानी से मिल जाएगी, दूसरा आपको जो है वहाँ पर बिजली बहुत नज़दीक से मिलेगी, बहुत सस्ती मिलेगी, इसके साथ साथ जो कारखाना प्रबंधक और मजदूरों के बीच में, कार्मिकों के बीच में जिस प्रकार की संघर्ष की स्थिति आज अनेकों स्थानों पर पैदा होती है, वो स्थिति उत्तराखंड के अंदर शून्य मात्र की है। और सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी हमने, मातृशक्ति के सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी हमने, कि उनकी सुरक्षा भी और उनका सशक्तिकरण, ये हमने अपनी प्राथमिकता में लिया है। और इसको करने से पहले हमने अभी लगातार जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी में लगातार हमने परिवर्तन किया है, और 30 तक लगभग हम 30 तक पहुंच गए होंगे संधू साहब, जो हम नई पॉलिसी जो बना रहे हैं, लगभग 30 के लगभग अभी हमने नई पॉलिसी भी जो है इसमें कहीं ना कहीं प्रख्यापित की है। उसमें प्रमुख रूप से जो टूरिज्म पॉलिसी है, जिसके बारे में अभी कविंदर जी ने बहुत कम शब्दों में, और मैं कहूँगा तो शायद उतना उसका इफेक्ट ना हो जितना इन्होंने बहुत कम शब्दों में कहकर आप लोगों के सामने बात करी, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं आप सब लोग। और MSME पॉलिसी है हमारी, स्टार्टअप पॉलिसी है, लॉजिस्टिक पॉलिसी है, और जो निजी औद्योगिक संस्थान की स्थापना के लिए भी हमने नई नीति, इन सभी को इसमें शामिल किया है। इसके अलावा जो पहले से हमारे यहाँ पर बहुत सारे, हमारे यहाँ पर पहले से भी काफ़ी सारे औद्योगिक समूह जो पहले से काम कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए उनके अंदर के जो उनका कैंपस है उस कैंपस के एरिया को भी विस्तार करने के लिए हमने जितना मैक्सिमम उनको दिया जा सकता था, जितना सेफ्टी पर्पस से जो जरूरी है उसके अलावा उसमें भी हमने संशोधन किया है। और समय समय पर जो आप सबके द्वारा, उद्योग समूह के द्वारा जो हमको जो भी जिस प्रकार की भी हमको अपनी अपने सुझाव दिए गए हैं, उन सभी सुझावों पर हम काम कर रहे हैं और बहुत दिल खोलकर काम कर रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी टीम संधू साहब के नेतृत्व में जिन्होंने ये काम किया है, 6,000 एकड़ का लैंड बैंक जो बनाया है, ये लैंड बैंक भी हमको लगता है कि कम पड़ने वाला है, हमें और ढूंढना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमको जो हमने एक लक्ष्य रखा था, एक टारगेट हमने रखा था कि हम 25,000 करोड़ की ग्राउंडिंग करेंगे इस प्रोग्राम के समारोह से पहले, लेकिन जिस प्रकार से हमको मिला है, हम 25 करोड़, 25,000 करोड़ तो अभी पहुंचने ही वाले हैं, और इससे ज़्यादा भी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इसके जस्ट डबल के आसपास हम ग्राउंडिंग पर पहुंचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों ने उत्तराखंड आने की जो है अपनी इच्छा व्यक्त की है। हमारा प्रयास है कि हम अपने राज्य में जो नए निवेशक जो हैं उनके साथ साथ जो पहले से भी जिनके उद्योग हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, जिनके निवेश पहले से हैं, जिनके उद्योग पहले से स्थापित हैं, उनको भी विस्तार के लिए और अपने एक्सपेंशन के लिए उनको भी प्रोत्साहित करें, उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि आप सब लोग, अधिकांश लोग दिल्ली के हैं या इसके आसपास के हैं, तो उत्तराखंड आप लोगों से कोई दूर नहीं है, पास ही है। यहाँ से जितनी देर में, मैं समझता हूँ एक कोने से NCR के दूसरे कोने में आप नहीं पहुँचेंगे, उससे पहले आप देहरादून पहुँच जाएंगे या हरिद्वार पहुँच जाएंगे या ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। तो बहुत आसानी है एकदम से, और आने वाले टाइम में ये दूरी और बहुत कम होने वाली है।
मतलब दूरी तो उतनी रहेगी, समय बहुत कम होने वाला है, समय कम होने वाला है, ये समय कुल 2 घंटे का होने वाला है। और रेल के क्षेत्र में भी तेजी से काम हो रहा है। हम वहाँ तक आप 4 धाम यात्रा करने जाएंगे तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो रेल लाइन है उसका काम भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में बहुत तेजी से काम हो रहा है। जिस प्रकार से आज हमारे 4ों धामों का विकास हो रहा है, ऑल वेदर रोडें बन गई हैं। आने वाले समय में आपकी जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, जहाँ पर अभी हमारे कविंदर सिंह जी ने अपना इस्टेब्लिशमेंट वहाँ भी बढ़ाने का इन्होंने अभी हमसे बात की है, टनकपुर से आगे जहाँ माँ पूर्णागिरी का धाम है, और उस रास्ते पर ही वही रास्ता आगे चलकर कैलाश मानसरोवर तक का रास्ता बनेगा। चंपावत, लोहागढ़, पिथौरागढ़ होते हुए हमारा धारचूला से आगे को, और अब वो दिन दूर नहीं है। जिस प्रकार से आज सरकार रोडों को लेकर गंभीर है, आने वाले समय में 4 धाम की तर्ज पर ही वहाँ का भी जो है सड़कों का जब निर्माण हो जाएगा तो सड़क मार्ग से वहाँ हम लोग जा पाएंगे। तेजी से उस पर भी काम चल रहा है। आप सब देख ही रहे हैं कि केदारनाथ जी का 2013 में जब आपदा आ गई थी, आपदा के बाद जिस प्रकार से वहाँ पर क्षति हुई थी, आज नया केदार बन गया है, भव्य केदार और दिव्य केदार। आप इस साल जाएंगे तो भी आपको दिखेगा, और अगले साल आप यात्रा करेंगे तो आपको बिल्कुल ही नए दर्शन होंगे सब, सारा का सारा। क्योंकि हमारा जो निर्माण का कार्य चल रहा है वो निर्माण का कार्य इस वर्ष पूरा हो जाएगा, और कुछ ही सालों में जो पैदल यात्रा केदारनाथ की होती है वह भी यात्रा भी आपकी रोप वे के माध्यम से बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनकी लीडरशिप में वहाँ पर रोप वे का भी शिलान्यास हो गया है। हेमकुंड साहब जाना बहुत कठिन होता था, और हेमकुंड जाने के लिए भी आने वाले टाइम में आपको अब वो 3-4 दिनों की जो कठिन यात्रा थी वो यात्रा भी कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। तो ये सारे के सारे काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, जैसे हमने दो नए शहर बनाने का भी हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, संकल्प लिया है, और 2 नए शहर हम मैदानी क्षेत्र में जो बना रहे हैं वो बना ही रहे हैं। जैसे अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का काम तेजी से चलने वाला है। इसके अलावा उसी के आसपास खुरपिया फॉर्म के आसपास हमने जमीन खोज ली है, 1,000 एकड़ से भी ज़्यादा लैंड है। उसमें महुआ जो भारत सरकार की योजना है उसमें भी हमको धनराशि देने का यहाँ से एक तरह से सैद्धांतिक रूप से सहमति हमको प्राप्त हुई है। लेकिन उसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र में भी हम 2 शहर अलग से बना रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।